हेलो मित्रों, मैं दीपक कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार में आपका सब स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में हमारे वीडियो देखे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर हमने चर्चा किया था, आज हम सौर मंडल की उत्पत्ति पर चर्चा करेंगे। सौर मंडल या इसे बोलते हैं सौर तंत्र, आज हम लोग इस पर विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, अब हम देखते हैं कि ब्रह्मांड तो बना, उसमें सौर मंडल कैसे बना। ओके मित्रों, तो देखिए पहले हम जानते हैं सौर तंत्र या सौर मंडल। देखिए सौर मंडल की परिभाषा, मान लेते हैं पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में कई गैलेक्सियां होती है, उससे मतलब नहीं। अब हम पढ़ते हैं सौर तंत्र। सौर तंत्र का मतलब तारे के अधीन गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए आकाशीय पिंडों को सौर तंत्र कहा गया है या सौर मंडल कहा गया है। सौर मंडल की उत्पत्ति में कई वैज्ञानिकों ने अपना मत दिए, सिद्धांत दिए। ओके मित्रों, अच्छा एक सिद्धांत होता है, एक नियम होता है, बड़ा इसमें अंतर होता है। इसे बहुत से हमारे मित्र भाई हैं जो एक ही समझ लेते हैं, सिद्धांत भी है और नियम भी वही है। सिद्धांत का मतलब होता है कि कोई मत दिया है, इस पर आप टीका टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन अगर वही सिद्धांत नियम बन जाए तब आप उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ये इसे बदला जा सकता है लेकिन नियम को नहीं बदला जाता, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे, नियम नहीं पढ़ेंगे। सिद्धांत में देखें मित्रों, सबसे पहले आए 1755 में इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ने सौरमंडल की उत्पत्ति पे अपना मत दिया, बताया कि उन्होंने इनका सिद्धांत होता है गैसियस सिद्धांत। इन्होंने बताया गैसियस सिद्धांत, एक तारक सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। और देखिए गैसियस सिद्धांत से उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में कई प्रकार की गैसें हैं, कुछ हल्की हैं कुछ भारी हैं, इन्हीं गैसों को बोला गया आद्य गैसें, आद्य गैसें। अब इसमें कुछ गैसें हल्की हैं कुछ भारी हैं। अब भारी गैसें, मान लीजिए इसका आकार बड़ा होगा एक छोटी होगी, तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा है, तो इसे अपनी ओर आकर्षित करेंगे। सब जितने छोटे गैस होंगे बड़ी गैस की ओर आकर्षित करेंगे, जब आकर्षित करेंगे तो इसका आकार बढ़ेगा, क्योंकि इसके अंदर क्षमता है, छोटे कणों को गैसों को खींच रहा है, और जब खींचते आकर्षण बल के कारण खींच रहे हैं, इसका आकार बढ़ रहा था, और जब बढ़ा आकर्षण बल भी बढ़ा, जब उसका आकार बढ़ा तो आकर्षण बल बढ़ेगा, उसका ताप भी बढ़ेगा। तब कोई भी अगर वस्तु होती है, अगर उस पर दाब लगाएंगे ज़्यादा तो अंदर का तापमान उसका बढ़ता जाता है। आकर्षण बल के कारण ताप बढ़ा, दाब बढ़ा, इस पर इसकी क्षमता और बढ़ गई। इन्होंने कहा कि ये बढ़ते बढ़ते एक ऐसा हो गया कि इसमें बहुत ज़्यादा आकर्षण क्षमता आ गई। इसमें एक जब बहुत बड़ा हो गया, ये गैसों के जो कण मिले थे बहुत बड़ा हो चुका, इसमें तापमान उच्च हो गया। अब जब तापमान उच्च हो गया तो इन्होंने बताया कि इसका केंद्रीय अपसारी बल भी बढ़ा। अगर किसी भी पिंड की आकार में वृद्धि होगी तो उसका अगर आकार बढ़ा तो ये बताएं इन्होंने कि आकार अपसारी बल भी बढ़ गया। और जब अपसारी बल बढ़ गया तो इसमें इसकी गति भी ज़्यादा हो गई। लेकिन यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी गलती कर दिया, इन्होंने बताया कि जब किसी भी पिंड का आकार बढ़ता और अपसारी बल बढ़ता है तो उसका गति जो होगी बढ़ जाती है। इन्होंने ये बताया, यहीं पे अपने आलोचना के पात्र बन जाते हैं, किसी भी पिंड का अगर आकार बढ़ेगा तो उसकी गति भी घटती है। इन्होंने बता दिया बढ़ गई, इसीलिए थोड़ा सा ये अपने सिद्धांत पर आलोचना के पात्र बन जाते हैं। अच्छा इन्होंने बताया कि इनका आकार बढ़ा, अपसारी बल बढ़ा, केंद्रापसारी बल बढ़ा, इसकी गति भी बढ़ गई। जब गति बढ़ गई तो इसका टुकड़ा कुछ टूट टूट कर बाहर निकल गए, और जब बाहर निकले तो इसमें बन गए नवग्रह। इन्होंने बताया कि नवग्रह इसकी उत्पत्ति हो गई। मैंने बताया कि इसके नौ ग्रह बने, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण एक यम। इन्होंने बताया इसी से उत्पत्ति हुई सभी ग्रहों की। लेकिन जब देखे कई वैज्ञानिक देखे कि ये तो अगर किसी भी, मान लेते हैं सूर्य से इसकी उत्पत्ति हुई,
जब ये इसका कण निकल रहे थे तो सूर्य का आकार ले रहा था और नवग्रह बन गए थे, इन्होंने ये बताया। लेकिन जब दूसरे वैज्ञानिक अगर कह रहे हैं कि जब सूर्य से नवग्रह बने तो ये बताइए सूर्य किससे बना है, हाइड्रोजन या हीलियम से, दो चीज़ों से मिलकर बना है। लेकिन जब नवग्रहों में देखा गया तो इसमें तमाम प्रकार की गैसें पाई गई, इन्होंने बताया अगर ये इसका ही भाग है तो जो इसमें है इसमें भी होना चाहिए, इसमें कई प्रकार की गैसें पाई गई। दूसरा बताया गया बृहस्पति हमारा एक ग्रह है, इसकी गति सूर्य की अपेक्षा से 60% अधिक है, इसकी जो गति है इसकी 60% अधिक है, ये आलोचना के पात्र बन गए, इसीलिए इनके सिद्धांत को कम कर दिया गया क्योंकि बड़ी गलतियाँ इसमें मिली। फिर दूसरे वैज्ञानिक आते हैं, उन्होंने अपना सिद्धांत दिया, इसको मिटा देते हैं। देखिए मित्रों दूसरा वैज्ञानिक है लाप्लास, लाप्लास 1796 में इन्होंने बताया कि एक निहारिका है, अपने से मान लिया एक निहारिका है, निहारिका का परिभाषा निहारिका बोलिए या नेबुला या निहारिका, इन्होंने बताया निहारिका की परिभाषा देख लीजिए पहले, इन्होंने परिभाषा होते गुरुत्वाकर्षण के बल के अधीन बंधे हुए गैस या धूल के बादल को निहारिका कहा, इन्होंने बता दिया कि एक बादल निहारिका है, इसे सूर्य भी मान लिया, एक सूर्य है क्योंकि सूर्य की उत्पत्ति निहारिका से ही होती है, प्रथम अवस्था होती है उसकी, इन्होंने मान लिया कि एक निहारिका है। इसकी परत धीरे धीरे ठंडी होने लगी, जब ठंडी होने लगी इसमें गति उत्पन्न थी, इन्होंने सब बताया कल्पना कर लिए थे, इसकी गति बढ़ी तो इसमें से कुछ कण निकले, निकलकर एक फिलामेंट के आकार में नवग्रहों की उत्पत्ति कर दी, इन्होंने बताया। अब देखिए इन्होंने भी वही गलती किए थे जो इमैनुअल कांट ने किया, इन्होंने इसी सूर्य से उत्पत्ति बता दिया, फिर वही पात्र बन गया कि अगर सूर्य से उत्पत्ति हुई तो जो हीलियम हाइड्रोजन है तो इसमें भी होना चाहिए, ये भी गलती हो गई इनसे बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा कम हुई उनसे क्योंकि थोड़ा सा अपने से मान लिए थे कोई ग्रह है तारा है इसे बना लिए। फिर दूसरे वैज्ञानिक आते हैं, ओके मित्रों अब देखिए इन पर गलतियाँ पाई गई लाप्लास में। फिर आए तीसरे टी सी चेम्बरलिन, 1950 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, इन्होंने माना एक तारा है, इसे बोला जाता है द्वितारक सिद्धांत भी बोला जाता है, द्वितारक सिद्धांत, ये द्वितारक सिद्धांत क्योंकि ये दो तारा माने अपने से, एक तारा सूर्य है एक इसका तारा है साथी तारा मान लिए, साथी तारा, ये साथी तारा अपने अंतिम अवस्था में है, अंतिम अवस्था का मतलब होता है किसी तारे में हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाए, मतलब सभी हाइड्रोजन इसकी समाप्त हो चुकी है, ये अपने ऑर्बिट पे जा रहा है धीरे धीरे, ऑर्बिट का इसका कोई एक अंतिम अवस्था होगी पहुंच रहा है, लेकिन जब ये जा रहा था तो इसके कुछ कण खींच रहा था, जैसे इस पर समय से गुजर रहा था कुछ कण खींच रहा था, जब कण खींच रहे थे यहाँ पे नौ ग्रहों की इसे इन्होंने बताया कि उत्पत्ति हुई है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण यम, नवग्रह ये अपने ऑर्बिट पे चला गया, मतलब ये कोई सिद्धांत नहीं अभी कोई वैज्ञानिक नहीं बता पाए कि तारा कहाँ गया, ये कोई कल्पना नहीं। देखिए आए हैं आर ए लिटिन टन, आर ए लिटिन टन, इन्होंने बताया ये भी द्वितारक सिद्धांत ही माना जाता है, इन्होंने बताया कि हमारा सूरज है सन, इनका एक साथी तारा है, साथी तारा इसका भी एक साथी तारा उन्होंने बता दिया, ये भी ये इसका साथी तारा ये इसका साथी तारा है, ये अंतिम अवस्था में है अपने, ये अंतिम अवस्था में मतलब ये ऑर्बिट पर अपने जा रहा है धीरे धीरे घूमते हुए, लेकिन जैसे जा रहा था इस तारे का विस्फोट हुआ, ये विस्फोट हुआ, बिग बैंग थ्योरी के तरीके नहीं है, यहाँ एक तारा मतलब इसे बोला जाता है सुपरनोवा, सुपरनोवा हुआ मतलब एक तारे का विस्फोट हुआ तो इसके कुछ कण निकल गए और निकल कर गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन ये सभी तारे बंध गए, नवग्रह की उत्पत्ति इन्होंने इस एक दूसरे तारे से बताया, इसीलिए इनकी आलोचना इन सभी
वैज्ञानिकों से बहुत कम हुई, क्योंकि दूसरे तारे से मतलब एक अलग तारा मान लिया और वो अपने अंतिम अवस्था में था। जब सुपरनोवा हुआ तो इसके सभी कण निकल के इसके समीप बन गए और सभी चक्कर लगाने लगे। ओके मित्रों, जैसा कि अभी हमने कई सिद्धांत बारे में बताया, एक सिद्धांत है ऐसा ही उन्होंने बताया जो सबसे आज प्रचलित सिद्धांत माना जाता है। मैंने बताया कि 4.6 अरब वर्ष पहले ब्रह्म सौरमंडल की उत्पत्ति हुई थी। इन्होंने बताया कि हाइड्रोजन और हेलियम से एक निहारिका बनी, निहारिका के समीप से एक तारा गुजरा, निहारिका थी एक तारा गुजरा, इधर से तारा गुजरा, इसकी गति बढ़ गई और जब बढ़ गई तो चपटी नुमा संरचना में बदल गई। और जब किसी भी जब ये गुजर रहा था तो इसकी गति जब बढ़ी मतलब कि इसका आकार भी छोटा हो गया था और इसकी गति बहुत तेज़ हो गई। जब गति तेज़ हो जाती मतलब यहाँ पे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लगता है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। ये कोणीय संवेग संरक्षण नियम यह कहलाता है किसी वस्तु की अगर आकृति मतलब छोटी होती है तो उसकी गति बढ़ जाती है। जब ये छोटी हुई तो इसकी गति इतनी तेज़ हो गई कि एक ऐसा समय आया, इतनी इसकी गति बढ़ गई कि एक ऐसा समय आया कि अपने आप को रोक नहीं पाई और इसके टुकड़े बाहर की ओर निकल गए। इसीलिए बताया कि जब ये घूम रही थी तो इसीलिए इसके वृत्ताकार में सभी कण निकले और जिसमें ग्रहों की उत्पत्ति मानी जाती है। और जो बीच का पदार्थ था वह सूरज का निर्माण कर लिया, क्योंकि जब ये घूम रही थी, जब आकृति छोटी हुई, गति इसकी तेज़ हुई तो हर दिशा में इसके कण निकल गए और यह कण आज भी वृत्ताकार मतलब एक दीर्घ वृत्ताकार में गति कर रहे हैं। इसीलिए यह बीच का पदार्थ क्या बन गया, सूरज, और ये सभी ग्रह बन गए। ये ज़्यादा आज प्रचलित सिद्धांत है, यही मान्य होता है कि हाँ इसी से हमारे ब्रह्मांड की सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि इसमें सभी 9 ग्रह वृत्ताकार गति में बताया गया है। ओके मित्रों, यही सिद्धांत है जो सबसे प्रचलन में है और सभी मत दिए सभी वैज्ञानिक, लेकिन ये सिद्धांत बड़ा अच्छा है, आज भी यही सभी लोग पढ़ते हैं विद्यार्थी जीवन में। ये सौरमंडल की उत्पत्ति में आज प्रचलित सिद्धांत है। अगर वीडियो मेरा आपको मित्रों पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करते रहें ताकि हमें पता चलती रहे, अगर कोई गलती आप मिलती रहे तो आप हमें कमेंट्स बताएंगे तो हम उस गलती को सुधार सकेंगे। अगर आपके मन में इन सभी वीडियो को देखने पर कोई सवाल बन रहा हो तो आप कमेंट में लिखिए, आप उससे हमसे जवाब लीजिए। ओके मित्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद, थैंक यू।